Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with the vocabulary for English speaking. So dear friends, these sentences are very useful and if you want to fluent in English, then you must have some sentences which often use in English language. So these are the sentences and I am going to tell you the Hindi or English of these sentences. So dear friends, आज जिन sentence की हम आपको हिंदी से English बताने वाले हैं वो इस प्रकार से कम मेरी बात तो सुनो, गलती तुम्हारी है ना कि मेरी, फिलहाल के लिए अपना मुंह बंद करो, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, बात को टालने की कोशिश मत करो, एक बात तो पक्की है तुम कभी नहीं सुधरोगे, सुनने में कुछ नहीं जाता, मैं गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ, आत्महत्या करना पाप है, वह हमेशा दखलंदाजी करता है, मैंने कुछ नहीं कहा, आपने ठीक से सुना नहीं, आपने सही नहीं लिखा और आपको पढ़ने में गलती हुई। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम यूज करते हैं और यदि आप भी इसी प्रकार के शब्दों की इंग्लिश जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज के भाग। कई बार ऐसा बोलने में आता है कि आप मेरा कहना तो नहीं मानते, कम से कम बात तो सुनो, कम से कम मेरी बात तो सुनो, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट लीस्ट लिसन टू मी, एट लीस्ट लिसन टू मी, एट लीस्ट लिसन टू मी। गलती तुम्हारी है ना कि मेरी, कई बार ऐसे हम बोलते हैं कि ये गलती तुम्हारी है ना कि मेरी। इट्स फॉल्ट इज योर नॉट माइन, फॉल्ट Fault is yours, not mine. False is yours, not mine. कभी कभी हम बोलते हैं कि हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी समय के लिए या फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए रुक जाओ या फिलहाल के लिए मुझे पेन दे दो, तो फिलहाल के लिए तो इंग्लिश में बोलते हैं for time being, for time being. For time being. फिर लिखा है अपना मुंह बंद करो, अपना मुंह बंद करो, जब कोई बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा मत बोलो, अपना मुंह बंद करो, तो अपना मुंह बंद करो इसको इंग्लिश में बोलेंगे shut your mouth, shut your mouth. इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, कई बार हम बोलते हैं कि मैंने तो ये आपको सुझाव दिया है, इसमें नाराज होने की वाली क्या बात है या इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, तो इसको बोलते हैं व्हाट इज देयर टू गेट एंग्री, व्हाट इज देयर टू गेट एंग्री, व्हाट इज देयर टू गेट एंग्री। बात को जब कोई हम किसी के सामने अपना कोई प्रपोजल रखते हैं तो वो उस बात पे ना बोल करके इधर उधर की बात करने लगता है, तो हम कहते हैं बात को टालने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू अवॉइड द मैटर, अवॉइड द मैटर, बात को टालने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट लिखा है एक बात तो पक्की है, मतलब जब कोई चीज़ बिल्कुल निश्चित होती है तो हम बोलते हैं कि एक बात तो पक्की है, तो इसको बोलेंगे वन थिंग इज श्योर, वन थिंग इज श्योर, वन थिंग इज श्योर। नेक्स्ट टेंस है जब हम किसी को बार बार समझाते हैं और समझाने पे भी वो नहीं समझता है और अपनी जो बुरी आदतें हैं उन्हीं को दोहराता है, तो हम बोलते हैं कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम कभी नहीं सुधरोगे, यू विल नेवर मेंड, यू विल नेवर मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, तुम कभी नहीं सुधरोगे, इस प्रकार से हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है सुनने में कुछ नहीं जाता है, कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि हम करें या ना करें लेकिन सुन तो लें, तो सुनने में कुछ नहीं जाता है, नथिंग गोज इन लिसनिंग, इसको बोलते हैं नथिंग गोज इन लिसनिंग, नथिंग गोज इन लिसनिंग।
फिर लिखा है कि मैं गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ। ऐसा बोलते हैं कि तुम आप मुझे बहुत ज़्यादा मत समझाइए, मैं भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं कोई जिम्मेदार गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ। तो मैं गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ, आई एम नॉट इरिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम नॉट इरिस्पॉन्सिबल पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है आत्महत्या करना पाप है। भगवान ने हमको बड़ी जन्मों के बाद इतना अच्छा शरीर दिया है, तो आत्महत्या करना पाप है। टू कमिट सुसाइड इज क्राइम। कमिट सुसाइड मतलब आत्महत्या करना होता है, तो हम कहते हैं कि आत्महत्या करना पाप है। कमिट सुसाइड इज क्राइम। नेक्स्ट लिखा है वह हमेशा दखलंदाजी करता है। दखलंदाजी मतलब बीच में बोलना, बिना मतलब में बोलना और टांग अड़ाना जिसको हम कह सकते हैं, तो वह हमेशा दखलंदाजी करता है। ही ऑलवेज इंटरफियर्स। मैंने कुछ नहीं कहा, आप बिना मतलब मैं नाराज हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, तो मैंने कुछ नहीं कहा इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड नॉट से एनी थिंग। मैंने कुछ नहीं कहा। आपने ठीक से नहीं सुना, जब कभी हम बोलते हैं कि मैंने आपको बोला था फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो आप बोलते हैं कि आपने तो ऐसा कहा ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि आपने ठीक से नहीं सुना, तो यू डिड नॉट लिसन प्रॉपरली, आपने ढंग से नहीं सुना। और कभी कभी लिखने में वो होता है तो हम बोलते हैं आपने सही नहीं लिखा, तो यू डिड नॉट राइट करेक्टली। और आपको पढ़ने में गलती हुई, यू मेड मिस्टेक इन रीडिंग। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंस हम मॉर्निंग टू इवनिंग यूज करते हैं। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग इजी सेंटेंस, यू कैन रीड अगेन एंड अगेन, यू कैन लर्न बाय लिसनिंग ओनली। इस प्रकार के सेंटेंस आप केवल सुन करके भी सीख सकते हैं। इनको देखते हैं एक बार शुरू से लेकर शाम लास्ट तक, कम से कम मेरी बात तो सुनो, एट लीस्ट लिसन टू मी। गलती तुम्हारी है ना कि मेरी, फॉल्ट इज़ योर्स नॉट माइन। फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बींग, अपना मुंह बंद करो, शट योर माउथ। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, व्हाट इज़ देयर टू गेट एंग्री। बात को टालने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू अवॉइड द मैटर। एक बात तो पक्की है, वन थिंग इज श्योर, तुम कभी नहीं सुधरोगे, यू विल नेवर माइंड योर बेज। सुनने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज इन लिसनिंग। मैं गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ, आई एम नॉट इरिस्पॉन्सिबल पर्सन। आत्महत्या करना पाप है, टू कमिट सुसाइड इज क्राइम। वह हमेशा दखलंदाजी करता है, ही ऑलवेज इंटरफियर्स। मैंने कुछ नहीं कहा, आई डिड नॉट से एनी थिंग। आपने ठीक से सुना नहीं, यू डिड नॉट लिसन प्रॉपरली। आपने सही नहीं लिखा, यू डिड नॉट राइट करेक्टली। आपको पढ़ने में गलती हुई, यू मेड मिस्टेक इन रीडिंग। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस की प्रैक्टिस करके आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ लिख बोल सकते हैं।
तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस पसंद आए हों। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।